राजा राम जी भेटिया, राजा राम जी भेटिया रे दोनों। गुरु भाई बनिया आप भी रावो, राजा राम जी भेटिया। देवा राम जी आपने देवा राम जी, अरे गुरु से लाणी रो साथ बिरावो, ढाबर गावी सोविणो सोविणो सोविणो। गांची समाज के ये कुल रत्न हुए। इतिहासकारों का मानना है, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि एक दिन गांची समाज की न्यात गंगा का आयोजन हुआ तो कई लोगों चिंता में पड़ गए। और चिंता ये कि ढाबर का गांव का पानी तो खारा है, लेकिन बाहर से जो मेहमान आएंगे उनको खारा पानी कैसे पिलाएंगे, उनकी तो आदत में ही नहीं होगा। मंदिर के पास में कुआ बावड़ी, माता जी की कृपा से भानाराम जी को माता जी ने कृपा की, बोले कि तुम चिंता मत करो और ये कह दो वहां से पानी लाओ, वो पानी मीठा होगा। और जब तक न्यात गंगा हुई तब तक वो पानी मीठा रहा और उसके बाद में वापस जैसा ही हो गया जैसा पहले था। ये माता जी की कृपा, सभी लोग जयघोष करेंगे। बोली केरिया मात की जलिए, हो बिरूरे गाची समाज के मायने, गाची समाज के मायने, भगत अवतरा आप बिरावो, गाची समाज के मायने। ऐसा भगत 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 उपन्या आप बिरावो, गाची समाज के मायने। से अनेकों परचे, किसी के धन नहीं तो उसको धन की कृपा हुई। बजाओ। एक विशेष बात कि यहां पर सातम को मेला होता है। एक बार एक झूले वाला आदमी, यानी जो मेले में झूले लगाता, वो आदमी एक बार दो साथ में आ गए, उसको पता नहीं था वो आ गया। रात को आके यहां पे रुका तो उसको लगा कि इतने सालों से मेला होता है, आज कोई आया ही नहीं, क्योंकि माता जी की वहां से जोत यहां तक आती है और गांव के सभी लोग मिलके यहां पर जोत को लाते हैं। तो वो झूले वाला भैया इंतजार करता रहे, कहा कि जोत आएगी, लेकिन उस रात को तो मेला था नहीं क्योंकि दो साथ में थी। वो सो गया।
लेकिन रात को उसको डर लगा कि मेला हमेशा होता, आज मेला क्यों नहीं। लेकिन भानाराम जी महाराज की कृपा से, माता जी की कृपा से उस झोले वाले को कहा कि भैया चिंता मत करना, शक्ति तेरे साथ में रहेगी। तो ऐसे ऐसे अनेकों पर्चे जगत जननी राजराजेश्वरी केरिया माता के भक्तराज भाना जी महाराज को समय समय पर मिले। मैं आपको आज के इस भक्ति संध्या में उनकी महिमा का गुणगान करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, स्वयं को धन्य समझता हूँ कि मुझे इस जगह पर ऐसे भक्तों का गुणगान करने का आप लोगों ने अवसर दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जीवित समाधि के रूप में, क्योंकि समाधि लेने के बाद में भी उनके अंगूठे की पांव की अंगुली हिलती है, तो राजा राम जी महाराज के बाद में वहां से समाचार आया कि ऐसा है, तो इसका मतलब उन्होंने जीवित समाधि ली है। क्योंकि दुनिया से जो व्यक्ति चला जाता उसका फिर शरीर नहीं हिलता, लेकिन माता जी ने ऐसा वरदान दिया था। आज भानाराम जी की जीवित समाधि, इसकी छत्र छाव में आप और हम सभी लोग बैठे हो। जीवित समाया बाप जी, जीवित समाया बाप जी रे, एण गाव ढाबर रे माए बिरावो। जीवित समाया बाप जी ओ, गाव ढाबर रे माए बिरावो। जीवित समाया बाप जी ओ, ए मेलो भरायो जोर रो, मेलो भरायो जोर रो, सात मने दिन आप बिरावो, मेलो भरायो जोरी रो रे। हो बाप जी सायर मलेरी सायरे मलेरी बीनती, दिनेश सोलंकीरी बीनती, अरे गोविंद जांगीरी बीनती रे माता। जुग जुग छरणा के मां, अरे प्रभु जांगीरी बीनती रे माता। जुग जुग छरणा के माय बीरा, भगत मंडली री बीनती ओ, माता जी ढाबर चरणा के माये माता वो, भगत मंडली री केसा राम जी री बीनती। और मार साहब का नाम क्या है जो अभी अभी राजा राम जी मार साहब, जिन्होंने अपने राज की नौकरी को करके भी माता जी की उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है, ये आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत भाग्य है। श्री भैरा राम जी, अनेकों भक्त जिनके मैं नाम लो, श्री ढड़ा राम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भगत मंडली दी बीनती, ताली बजा दो एक बार। जुग जुग चरणों रे माय माता, भगत मंडली री बीनती ओ, गाव ढाबर री बीनती ओ, गाव ढाबर री बीनती ओ, दे।